एक सवाल जो आप तीनों से है, क्या आपको लगता है कि डिफरेंस होता है उन लोगों में जो कि थिएटर से जाते हैं ड्रामा इंडस्ट्री में, वो लोग जो डायरेक्ट क्या चाहते हैं हमें आगे काम ना मिले क्या चाहते हैं आज आगे हम सच्चाई बोले और फिर हमें सब बैन कर दे, ब्लैक लिस्ट कर देंगे। बैन होने वाला कल्चर भी मैं तो उससे बड़ी हूं। मैं जब पारस के साथ काम करती हूँ, आपके साथ मैंने अभी तक नहीं किया, जब मैं पारस के साथ काम करती हूँ तो जिस तरह हम रिहर्स करते हैं ना, वो साल में दो साल में जब इनके साथ काम करने को मिलता है सिर्फ उसी वक्त होता है, वरना नहीं होता। यू नो हम रिहर्स करते हैं, हम प्लान करते हैं, इम्प्रूव भी करते हैं कि इम्प्रूव नॉट जस्ट लाइक यू नो स्क्रिप्ट, आप ज़रूरी नहीं आप चेंज कर रहे हो, देर आर मोमेंट्स जो आप बना सकते हो, तो वो करने का फिर थिएटर वाले के साथ मौका मिलता है। एक्चुअली बात वही इस तरह से है कि हमारी ये ऑफ द स्क्रीन भी इस हवाले से बात हुई थी कि एक जैसे कोई ड्राइवर है तो उसने गाड़ी चलाना ऐसे सीखी कि वो डायरेक्ट सीट पे बैठा और उसने गाड़ी चलाना शुरू की, तो उसने बहुत जगह एक्सीडेंट किए और करते करते वो सीख गया आखिरकार। उसी के बरक्स एक इंसान है जो कि एक ट्रेनिंग स्कूल में गया, उस पर पहले उसने गाड़ी चलाना सीखी तो, और फिर सीखने के बाद वो रोड पे आया तो उसने कोई एक्सीडेंट नहीं किया फिर, तो ये फर्क है। हाँ, बस गाड़ी तबाह होगी एक ही जिसने बार बार मार मार इसमें हरगिज़ ये नहीं है, हरगिज़ भी ये नहीं है कि ये बुरे एक्टर्स हैं या उनको काम नहीं आता, उन्हें हमसे बेहतर काम आता है, बट गोइंग थ्रू अ चैनल ऑफ लर्निंग व्हाट यू डू जो सीरियस इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो मैं स्क्रिप्ट मांगती थी, तो मेरे बारे में फैल गया था इसका तो बड़ा एटीट्यूड है, ये तो स्क्रिप्ट मांगती है, मेरा हक है, मैं जब तक पढ़ूंगी नहीं मैं क्या एक्टिंग करूंगी, मतलब मुझे वही आएगी कि हाँ जी सना ये स्क्रिप्ट है आपने ये करना है, तो इस बात पे मैं काफ़ी इंसल्ट होती थी मेरी कि ये तो स्क्रिप्ट मांगती है। हाँ, और मुझे अभी तक हार्ड कॉपी चाहिए। ये प्रोफेशनल हिस्सा समझा जाता है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ कर आए, जैसे पीटीवी के ड्रामों से बच्चों ने सुना करते थे कि प्रॉपर रिहर्स करते थे और उनकी वो कोशिश होती कि ताकि कम से कम टेक्स हो। एग्जैक्टली, और अभी भी यही होता है कि अब वो ट्रेंड बदल गया तो पीडीएफ में भेज, मैं कहती हूँ नहीं मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, मैं जब तक वो पेपर टर्न नहीं करूँगी मुझे मज़ा नहीं आएगा। अच्छा साथ आपका इस पर क्या है चांस? वैसे तो देखें एक्टिंग इज़ अ बॉर्न टैलेंट, बट ये है कि जो ज़ाहिर है एकेडमी का ये रहता है कि आप तीन साल में तकरीबन 9 थिएटर प्लेज करते हैं जिसमें कि वो राइटर्स जो कि माने हुए राइटर्स हैं जो शेक्सपियर वगैरह उनका टेक्स्ट आप प्रैक्टिस करते हैं, तो वो जो आपकी प्रैक्टिस बनी हुई होती है उसमें और ज़ाहिर है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। बट एक बात यह है कि मैंने नोट किया है कि हमारे पाकिस्तान में बेशक थिएटर एकेडमी से या स्कूलिंग प्रॉपर करके ना भी आए हों तो बहुत ही फिनोमिनल टैलेंट हमारे पास मौजूद है, एक से एक अदाकार हमारे पास हैं, लेकिन उनमें कुछ स्टैंड आउट आगे जाके जो कर रहे हैं या करेंगे तो ऑब्वियसली वो लोग कर सकते हैं एंड मुमकिन है कि जो प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही ऐसी हुई हुई है हमारी कि हमारे वो हमारी जो सेकंड हैंड मेमोरी है उसमें मतलब चीजें हो गई हैं, हमारी मसल मेमोरी बन चुकी है कि हमें नींद में से भी उठा के आप कैमरे के सामने खड़ा कर देंगे ना तो हम बोंगियां नहीं मारेंगे, हम अचानक एक कैरेक्टर में आ जाएंगे और हम उस ट्रांस में आ जाएंगे, हम फौरन उसी चीज में चले जाएंगे उस फ्रेम ऑफ वर्क में जिससे हम निकले। पारस यूजुअली कितना टाइम लगता है कि जब आप कोई कैरेक्टर पढ़ते हैं तो उस कैरेक्टर में जाने में? ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कितना पढ़ते हैं, आप कितना अपने काम से डेडिकेटेड हैं, कितना इन्वॉल्व होते हैं। तो मेरा तो बचपन से ऐसा है कि मेरी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है, तो मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो फौरन मेरे दिमाग में वो सीन बनना शुरू हो जाता है, वो अदाकार वो जो किरदार है वो अंदर से उसके कपड़े उसका बैठना हाँ वो सब कुछ जो है ना एकदम से वो मेरे अंदर आना शुरू हो जाता है और बस एक्शन बोलने की देर होती है और मैं कहता हूँ बस अब हो जाए जल्दी से। लेकिन मैं बताऊँ मतिहा, इसमें ये भी होता है कि जैसे मैं अपने बारे में कहती हूँ कि मैं साल में कोई एक स्क्रिप्ट होता है जो अपने दिल से करती हूँ, बाकी रन ऑफ द मिल कैरेक्टर्स होते हैं, मोस्टली स्क्रिप्ट्स आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, तो कोई एक कैरेक्टर और एक स्क्रिप्ट होती है जो आपको मिल जाए ना तो आपकी ज़िंदगी अमर हो जाती है, तो आपकी वो जो एक
अर्ज होती है टू डू गुड वर्क वो आपकी पूरी हो जाती है. अगर वो साल में आपको एक स्क्रिप्ट भी ना मिले ना तो फिर बड़ा डेविस्टेटिंग होता है फॉर एक्टर्स हु हैव डन थिएटर. बिकॉज थिएटर में आपको हम फॉरन जाके स्टेज में परफॉर्म नहीं करना शुरू करते. यू रीड, यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट, यू गो थ्रू द बैकग्राउंड, दिस इज लॉट, यू नो, यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट. मुझे याद है मैंने एक प्ले किया था आधे अधूरे के नाम से. फर्स्ट सेमेस्टर था मेरा नापा में और मुझे राहत साहब ने, आई वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ राहत काजमी, क्रश ना, तो वो बोलते थे मैं देखती रहती थी. सो आई डिड अ प्ले विद हिम, आई प्लेड अ 13-14 ईयर ओल्ड चाइल्ड इन इट. और ये आवाम के लिए था, इट वॉज अ कमर्शियल प्ले. मुझे याद है 7th या 8th शो था, आई ब्रोक डाउन, आई क्रैश्ड, मैं फेंट हो गई, आई कुडंट गो ऑन सेट. मतलब वो इतना ओवरमिंग हो गया था मेरे लिए, यू नो, वो हर रोज़ तालियां सुनना, जो लाइव अप्रिसिएशन होती है, और एक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे को आपने डाल दिया जो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के लिए आए हैं. और ये आप हमसे पूछें क्योंकि पीछे स्टेज मैनेजमेंट में मैं था. इस ड्रामे के स्टेज मैनेजमेंट में पीछे राज साहब ने हमारी ड्यूटी लगाई हुई थी और आई स्टिल रिमेम्बर जो ये बात कर रही हैं. दीस पीपल फ्रीक्ड आउट कि ये पागल हो गई है, संभालना मुश्किल था. मैंने मेकअप आर्टिस्ट को मुक्का मार दिया, वो बेचारे ना मुझे उठा रहे, बेटा बेटा, मैंने कहा तू तो चुप कर. सो थिएटर इज नो जोक, यू नो, इट टेक्स अ टोल ऑन यू. मैं सोच रही हूं जी जी आप मेरे निधाई के कितने बाद है मेरा मेरे बात अल्लाह नवाज से बोलने, आप भी प्लीज आप भी बोल रहे हो. बुनियादी तौर पे तो ये एक मुश्किल काम है जाहिर है और ये पूरा एक प्रोसेस है. जैसे हम थिएटर पे नहीं है कि आपने, जैसे सना ने भी कहा कि आपने बस याद किया और आप स्टेज पे गए और आपने कर दिया, उसकी पूरी एक रियाजत होती है, रिहर्सल होती है, उसके बगैर वो चीज अचीव नहीं हो सकती. और ये वैसे ये प्रैक्टिस पूरी दुनिया में बड़ी कॉमन है. ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बस ये है कि आप बस स्क्रिप्ट उसी वक्त मिला और आप जाके उसको परफॉर्म कर दें, विच इज़ वो फिर आप कर सकते हैं क्योंकि आपने आपकी प्रैक्टिस हुई है, मगर वो एक सतही चीज़ निकल कर आएगी एज कम्पेयर टू अगर आप उस पर पूरा एक महीना लगाएं और उसको समझें उसका कैरेक्टर का बैकग्राउंड, कहाँ पैदा हुआ, क्या करता है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिक्स. पहले ऐसा ही होता था जब पाकिस्तान टेलीविजन के जो शुरा आफाक ड्रामे हम आज तक याद करते हैं, तो जब मुझे मौका मिला कुछ वक्त जाके देखने का कि बड़े बड़े अदाकार वो ऐसे राउंड कुर्सियाँ रख के बैठते थे, डायरेक्टर बैठते थे, पहले टेबल रीड होती और फिर उसके बाद प्रॉपर रिहर्सल होती थी, फिर सेट पे ब्लॉकिंग होती थी. जो यूजुअली जो हम देख रहे होते हैं, आप बड़े इंप्रेस हो रहे थे ना कि जो हॉलीवुड ड्रामा जो भी इस बड़े बड़े आप सीजन आप उसकी मेकिंग देख रहे होते हैं, आप कितने इंप्रेस हो रहे होते हैं, ये हमारे पास सब होता था. अच्छा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे थिएटर आर्टिस्ट क्योंकि एक्टर्स तो ये हैं जिनको आप टीवी पे देखते हैं, पर ये थिएटर के एक्टर्स हैं और थिएटर के एक्टर वो एक्टर्स होते हैं इनकी कहते हैं ना अंग अंग एक्ट कर रहा होता है, क्योंकि वो आप चेहरा तो नहीं देख रहे, जो आखिरी सीट पे बंदा बैठा है वो भी देख रहा है कि अच्छा इनका पाँव कैसे इन्होंने रखा हुआ है, ये खड़े कैसे हुए हैं, इन्होंने हाथ कैसे बांधे हुए हैं, तो एक एक चीज़ बड़ी मैटर कर रही होती है. थिएटर पे हमने इनसे बात करी, अब हम जरा इनसे नेगेटिव कैरेक्टर के वाले से बात भी करेंगे कि जो नेगेटिव का किरदार अदा करने में मज़ा भी आता है, अंदर की भी कोशिश करते हैं कि जरा किसी पे गुस्सा किसको सोच के नेगेटिव कैरेक्टर जो है वो लेते हैं और क्या बनने की कोशिश करते हैं. एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस वाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा.